गोंदिया से सटे बालाघाट जिले के बिरसा क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगी रोड लोडर मशीनों को नक्सलियों द्वारा आग लगाने की घटना अभी 2 दिन पहले ही सामने आई थी कि नक्सलियों ने फिर से सड़क निर्माण में लगी मिक्सर मशीनों और 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया है। 2 दिनों में नक्सलियों द्वारा निर्माण कार्यों को निशाना बनाने की मंशा से की गई वारदात से जाट ठेकेदारों में भय का माहौल है। वही पुलिस की पैनी निगरानी के बावजूद नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 4 दिसंबर की सुबह बिरसा थाना अंतर्गत मछुरदा चौकी के मछुरदा के कोरका में देवरबेली से मालकुआ के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगी रोड रोलर मशीन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर नक्सली मिलिंद तेलतुंबड़े की हत्या का बदला बताया था। साथ ही 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य को बंद करने का आह्वान किया था। इसी विषय को लेकर 6 दिसंबर की रात किरणापुरा थाना अंतर्गत किन्ही चौकी से लगभग 15 किलोमीटर दूर चल रहे सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर और मिक्सर को आग लगा दी। इसके बाद 20 सड़क पर बैनर और पर्चे टांग दिए, जिसमें फिर 10 दिसंबर को नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है। साथ ही लाल कपड़े में कामरेड जीवा उर्फ मिलिंद तेलतुंबड़े की हत्या का निषेध करते हुए लाल कपड़े पर लिखा संदेश और पर्चे भी छोड़े हैं। एनएमसी जोनल कमेटी के नाम से छोड़े गए लाल कपड़े में लिखे संदेश और पर्चे मिलने और सड़क निर्माण में लगी मशीनों में आग लगाने की घटना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया है। वही सभी थानों और चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। 2 दिनों के अंतराल में नक्सलियों ने दूसरी बड़ी घटना को अंजाम दिया। जिले के किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किन्ही पुलिस चौकी क्षेत्र के कलकत्ता से बोदलझोला मार्ग पर नक्सलियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जगह जगह पर्चे और एक बैनर टांगा गया है, जिसमें नक्सलियों ने 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को बंद करने का आह्वान किया है।